Hello everyone, welcome to our channel. This side Pooja Rajor, and today we will do the first chapter of class 4th, Tansen the Magical Magician. And guys, this is the part 1. So let's start to read the story. I hope that you all are aware about it, Tansen, who was the greatest magician. Even the children, they have read the story books also, because schools mein ya at home bachchon ke paas story books hoti hai aur usme Tansen magician ki bahut stories bhi hoti hain. To unme se ek story aap bol sakte hain jo hum ye aaj padhenge, aaj read karenge is story ko, through which you will came to know about the Tansen, who was the greatest magician, right? So let's start. Almost exactly in the center of India is a town called Gwalior. In this town is a tomb of Tansen, one of the greatest magicians that ever lived. Next to his beautifully carved stone tomb stands a little tamarind tree. First three lines mein kya bola hai? Almost India ke एग्जैक्टली सेंटर पे अगर आप बोलो तो एक टाउन है जिसका नाम है ग्वालियर, और इस टाउन में क्या है, तानसेन का मकबरा है. ट्यूम क्या होता है, TOMB ट्यूम, ये TOMB ट्यूम क्या होता है, इट्स वेयर समवन इज बेरेड, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, तो वो उसे हम बोलते हैं ट्यूम. सो उस ग्वालियर में, उस टाउन में क्या है, तानसेन का ट्यूम है. Tansen कौन थे, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. ये जो म्यूजिशियंस थे, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, बहुत महान थे जो उस टाइम पे रहते थे. नेक्स्ट टू हिज ब्यूटिफुली कर्व्ड स्टॉम टॉम स्टैंड टोम स्टैंड्स अ लिटिल टैमरिंड ट्री. और नेक्स्ट इसके क्या है, टोम के बिल्कुल साथ में क्या है, एक लिटिल टैमरिन ट्री है. टैमरिन का मतलब होता है इमली, इमली का पेड़ है. इट इज़ बिलीव दैट बाय ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री एंड टचिंग द टोम अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस. ये माना जाता है कि अगर उस टोम पे जाते हैं, कोई उस ट्री की लीफ खाता है, पत्ती खाता है और टोम को टच करता है, तो That singer can improve his voice. उस singer की voice improve हो सकती है, वो कर सकता है. If this sounds like magic, क्या ये sound करता है magic की तरह, क्या ये magic sound करता है, जादू लगता है, the story of Tansen is equally magical. जैसे आपको ये एक story sound magical sound करती है, same जो story है Tansen की, वो भी आपको एक जादू की तरह लगेगी. इट्स इक्वली मैजिकल, वो भी एक जादू की तरह है. इवन टूडे मैनी फेमस म्यूजिशियंस फॉलो द स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्रिएटेड बाय तानसेन नॉन एज द ग्वालियर घराना. आज भी, इवन टूडे, आज भी मैनी फेमस म्यूजिशियंस, जो बहुत फेमस म्यूजिशियंस हैं, काफ़ी जो फेमस म्यूजिशियंस हैं, वो फॉलो करते हैं. किसे फॉलो करते हैं, जो म्यूज़िक स्टाइल क्रिएट किया गया था तानसेन के थ्रू. जो तानसेन ने अपना म्यूज़िक स्टाइल क्रिएट किया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्वालियर घराना के नाम से, इसे आज भी बहुत सारे म्यूजिशियंस फॉलो करते हैं. अबाउट 400 ईयर्स एगो इन अ विलेज नियर ग्वालियर लिव्ड वेल्थी पोएट मुकंद मिश्रा एंड हिज वाइफ. 400 years ago, ये YEARS, इसको ईयर नहीं बोलते, year बोलते हैं, या यग वाला यूज़ किया जाता है, year. About 400 years ago, 400 साल पहले एक विलेज जो कि ग्वालियर के पास था, lived a wealthy poet, एक बहुत wealthy means होता है rich, जो बहुत अमीर होते हैं, poet रहते थे, जिनका नाम था मुकंद मिश्रा और उनकी वाइफ. ये एक फैमिली रहती थी वहाँ पे. दे लॉन्ग टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन. लॉन्ग मीन्स होता है वॉन्ट. दे वॉन्टेड टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन. वो अपने खुद के बच्चे चाहते थे. ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्रेंड मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द फेमस सेंट एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गौस. On the suggestion of a friend, अब एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया, उनके सजेशन पर मिश्रा वेंट टू ग्वालियर, मिश्रा ग्वालियर गए
टू सीक द ब्लेसिंग. सीक मीन्स होता है टू फाइंड और टू हैव. ब्लेसिंग्स लेने के लिए, किसकी ब्लेसिंग लेने के लिए? द फेमस सेंट. सेंट क्या होता है? जैसे आप साधु बोल सकते हो, साधु होते हैं. एक बहुत फेमस साधु थे, इवन वो म्यूजिशियंस भी थे, तो म्यूजिशियन थे, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पे गए, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद गौस. ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, सून आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स अ चाइल्ड वॉज बॉर्न. एक ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि एक जादू की तरह था कि जैसी उनकी ब्लेसिंग उनको मिली, आफ्टर दैट अ चाइल्ड वॉज बॉर्न. एक उनकी फैमिली, एक उनके बच्चा हुआ, एक चाइल्ड वॉज बॉर्न. ही वॉज नेम्ड तानसेन. उसका नाम क्या रखा गया? तानसेन. एज तानसेन ग्रो अप, हिज फादर इंगेज्ड टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट. जैसे जैसे तानसेन ग्रो करने लगे, बड़े होने लगे, उनके फादर ने, इंगेज्ड का मतलब होता है अपॉइंट करना और हायर करना, उन्होंने एक टीचर हायर किया या अपॉइंट किया. किस लिए? टू टीच हिम टू रीड एंड राइट. तानसेन को सिखाने के लिए कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है. तानसेन हाउ एवर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड्स वेयर ही फाउंड इमिटेट बर्ड एंड एनिमल साउंड्स. तानसेन हालांकि बहुत बहुत इंटरेस्टेड था किसमें? इन गोइंग टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड्स के साथ जो उनके घर के पास जंगल था, वहाँ जाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे. वाई? बिकॉज ही वुड इमिटेट. इमिटेट मीन्स होता है कॉपी करना. जैसे कभी कभी टीचर बोलती है ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ, जस्ट कॉपी मी, मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप कॉपी करो. या छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब बड़ा उनके सामने कुछ करता है तो ही ट्राई, और दैट चाइल्ड ट्राई टू डू दैट, कॉपी करते हैं. इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना. सो नकल करना एक तरीके से. सो वो क्या करते थे वहाँ जाके? ही वुड इमिटेट बर्ड एंड एनिमल साउंड. जो वहाँ पे बर्ड या एनिमल्स होते थे उनकी साउंड को कॉपी करते थे. जैसे बच्चे भी करते हैं, डॉग जैसे बाग करता है, तो द चाइल्ड दे ट्राई, द चिल्ड्रन ट्राई टू डू दैट. कैट की आवाज़ निकालते हैं, पैरट की निकालते हैं. सो इन द सेम वे तानसेन भी इमिटेट करते थे. वंस अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तानसेन हाइड हिमसेल्फ इन सम बशेज एंड रोड लाइक अ टाइगर. सो लाइफ लाइक वॉज अ साउंड दैट द सिंगर्स बिकेम फ्राइटेंड. व्हेन द बॉय शॉट हिमसेल्फ, द लीडर ऑफ द ग्रुप रेज्ड हिज टाइगर लाइक रोर. इंकरेज्ड, तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड. द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स परफॉर्मेंस. ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास. अब एक बार क्या हुआ, वंस अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एक सिंगर्स का ग्रुप वहाँ से फॉरेस्ट से पास हो रहा था, वहाँ से जा रहा था. तो तानसेन ने क्या किया, खुद को झाड़ियों, बिशेज क्या होती हैं? झाड़ियाँ. रोर होता है गरजना, जैसे शेर की आवाज़ या टाइगर की आवाज़, जैसे वो दहाड़ता है एक तरीके से, आप ऐसे बोल सकते हो, गरजते हैं जैसे वो. सो तानसेन ने क्या किया, खुद को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और टाइगर की तरह, जैसे टाइगर अपनी आवाज़ निकालते हैं, दहाड़ते हैं, गरजते हैं, वैसे उसके साउंड निकालने लगे. सो लाइफ लाइक वॉज अ साउंड. लाइफ लाइक मीन्स होता है रियल. वो साउंड ऐसी थी जैसे रियल में टाइगर है. सो सिंगर्स बिकेम फ्राइटेंड. सिंगर्स क्या हो गए? फ्राइटेंड मीन्स होता है स्केयर्ड, अफ्रेड, डर. तो सिंगर्स क्या हो गए? डर गए. सो व्हेन द बॉय शॉट हिमसेल्फ, जब बॉय ने खुद को दिखाया, बॉय कौन था? तानसेन. जब उन्होंने खुद को दिखाया, द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप प्रेज्ड हिज टाइगर लाइक रॉर. तो जो लीडर थे ग्रुप का, उन्होंने प्रेज्ड किया जो उसकी साउंड थी, जो उन्होंने आवाज़ निकाली थी टाइगर की. तो प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना. इंकरेज, तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड. और तानसेन को इंकरेज किया. इंकरेज का मतलब होता है जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको बढ़ावा देना, मतलब आपको ये बोला जाता है ना कि वेरी गुड,
और करो, और पढ़ाई करो, इन द सेम वे इंक्वायरेज करना. सो तानसेन को इंक्वायरेज किया कि वो और एनिमल या बर्ड की साउंड निकाले. द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स परफॉर्मेंस. और जो लीडर थे वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे तानसेन के परफॉर्मेंस से. एंड हु वॉज दैट? ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास. ये कोई और नहीं जो फेमस म्यूजिक टीचर थे हरिदास. हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन as his disciple. He has great musical talent, said Haridas to Tansen's father. Haridas ne offer kiya Tansen ko ek to take Tansen as his disciple. Disciple hota hai student, shishy jise hum bolte hain. To Haridas ne Tansen ko apna shishy banane ka offer diya, apna student banane ka offer diya. And he has great musical talent, said Haridas to Tansen's father. Haridas ne Tansen ke father ko bola ki he has great musical talent, ki iske andar bahut acha talent hai musical ka, music ka. Most reluctantly, Tansen's mother agreed to let her only child go away to Vrindavan to study under Haridas. Tansen ki jo reluctantly ka matlab hota hai, it means बिना इच्छा के. आई मीन इफ़ यू डोंट वॉन्ट, आप नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है. सो मोस्ट रिलक्टेंटली मतलब बिना इच्छा के तानसेन की मदर एग्री हो गई कि जो उसका एक ओनली चाइल्ड था, जो एक लौता बेटा था, वो अपनी स्टडी के लिए कहाँ जाए? वृंदावन, और अंडर हरिदास. हरिदास के अंडर वो अपनी शिक्षा ले, पढ़ाई करे. For almost 10 years, Tansen studied music from Haridas. Almost लगभग 10 साल तक तानसेन ने हरिदास के अंडर अपनी स्टडी की म्यूज़िक की. स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूजिकल नोट्स उन्होंने स्टार्ट किया, बेसिक म्यूजिकल नोट्स से, जैसे सा रे गामा पा धा नी सा, सबको पता होगा ये बेसिक नोट्स होते हैं. ही लर्नड द बेसिक ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा. उन्होंने सीखा बेसिक सिंगिंग का बेसिक, और प्लेइंग कैसे करते हैं, तानपुरा को कैसे प्ले किया जाता है, इसका बेसिक उन्होंने सीखा. ही लर्नड अबाउट द डिफरेंट रागस ऑफ इंडियन म्यूज़िक एंड हाउ ईच राग क्रिएट्स अ डिफरेंट मूड. उन्होंने सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट राग इंडियन के जो म्यूज़िक है उनके कैसे कैसे अलग अलग राग होते हैं, और हाउ ईच राग क्रिएट्स अ डिफरेंट मूड, और कैसे अलग अलग राग अलग अलग मूड क्रिएट करता है. अ राग कैन मेक यू सो हैप्पी दैट यू माइट वॉन्ट टू डांस, और इट कैन मेक यू सो सैड दैट इट माइट ब्रिंग टीयर्स टू योर आइज. एक राग क्या कर सकता है? एक राग आपको खुश कर सकता है जिसकी वजह से आप डांस कर सकते हो, और एक राग आपको सैड भी बना सकता है जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी इन दिस वीडियो. आज तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो अहेड फ्रॉम दैट पैसेज ओनली. थैंक यू.